हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, मफलर, ब्लैंकेट, बेबी सेट, बेबी फ्रॉक वगैरह में यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है फ्रेंड्स। ये सात सात फंदों का डिजाइन है। सात फंदे, सात फंदे, सात फंदे, सात फंदे, प्लस फोर फंदे। बैक साइड से डिजाइन इस तरह दिखता है। ये इसकी बैक साइड है। इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, चाहे वो लाइट कलर हो चाहे डार्क कलर हो। नए सीखने वाले भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और ये 16 सिलाइयों का डिजाइन है, 16 सिलाइयों का डिजाइन है। तो फ्रेंड देरी ना करते बताती हूँ कि डिजाइन किस तरह बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 18 फंदे डाल रखे हैं। 7 प्लस 7 14 प्लस 4 18 फंदे डाल रखे हैं। फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया, एक दो फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया। अब आपने इन दो फंदों को एक करना, इस तरह एक कर दिया, एक फंदा सीधा बना लिया। यहाँ दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा। फिर आपने यहाँ जाली डाली, एक दो फंदे सीधे, फिर धागा अंदर किया, एक दो फंदे उल्टे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक डब्बी हमारी यहाँ बन गई। फिर दो फंदे उल्टे बनाए हमने। फिर देखिए दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बनाया, जाली डाली, एक दो फंदे सीधे, ये दूसरी डब्बी हमारी बनी। फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा हमने लास्ट वाला सीधा बना। ये हमारी फर्स्ट रो बनी राइट साइड से। सेकंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लिया, एक दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, फिर एक दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा। ये हमारी सेकंड राउंड, जो फंदे उल्टे थे वो हमने बैक साइड से सीधे करके बनाया। थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा उतारा, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, फिर धागा बाहर किया। जिस तरह हमने फर्स्ट रो बनाई है उसी तरह ही हमारी थर्ड रो बनेगी। ये देखिए दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, फिर दो फंदे सीधे, धागा अंदर किया, एक दो फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया। ये देखिए ये दो फंदों का एक किया, एक फंदा और सीधा, फिर जाली डाली, एक दो फंदे सीधे, धागा अंदर करके दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला। ये हमारी थर्ड रो बनी। फोर्थ रो एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो तीन चार पांच फंदे उल्टे,
दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला। फिफ्थ रो राइट साइड से, फिफ्थ रो भी राइट साइड से, पहला फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे बने। अब फिर फिफ्थ रो भी उसी तरह बनेगी फर्स्ट रो की तरह। ये देखिए, दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदे सीधे, फिर धागा अंदर किया, एक, दो फंदे उल्टे। ये देखिए, दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदे सीधे, एक, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला। ये देखिए, ये हमारी फिफ्थ रो बनी। सिक्स रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा बाहर किया, दो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा। ये हमारी सिक्स रो बनी। सेवन्थ रो, पहला फंदा उतारा राइट साइड से, एक फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा, दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदे सीधे, धागा अंदर किया, एक, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला। ये हमारी सेवन्थ रो बनी। एट्थ रो, पहला फंदा उतार लिया, एक, दो फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ये लास्ट। ये हमारी एट्थ रो बनी रॉन्ग साइड से। नाइन्थ रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा। अब आपने क्या करना है, ये दो फंदे सीधे बनाने हैं। अब हमने ये डिजाइन जो है इस तरफ मोड़ना है, पहले इस तरफ था, अब इस तरफ मोड़ेंगे हम डिजाइन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है, एक फंदा सीधा। अब आपने इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक करना है, फिर धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा। ये देखिए, नाइन्थ रो को ध्यान से बनाना आपने। दो फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब ये जो दो फंदे हैं, इसको इस तरह फंदा सीधा करना है, फिर इस तरह दो फंदों का एक करना है, फिर दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बना। ये नाइन्थ रो। टेंथ रो तो जैसी बन रही है वैसी बनेगी, दो फंदे सीधे, पांच फंदे, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तीन, चार,
पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और ये 11th रो राइट साइड से। पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया, एक दो फंदे सीधे, फिर जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अंदर किया, एक दो फंदे उल्टे। अगली डबी देखिए, एक दो फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अंदर किया, एक दो और ये लास्ट 12 रो रॉन्ग साइड से। ये तो सेकंड रो की तरह ही बनानी है, जिस तरह दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब हमारी 13 रो राइट साइड से। पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे उल्टे, धागा बाहर किया, एक दो फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक करना, फिर धागा अंदर किया, फिर दो फंदे उल्टे करके। अगली डब्बी देखिए, दो फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदों का हमने एक कर दिया, ये हमारी 13 रो बनी। 14 रो रॉन्ग साइड से, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला, ये देखिए 15 रो राइट साइड से। पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा। ये फंदा इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक बनाना, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा। इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक करना, एक दो और ये लास्ट वाला, ये हमारी 15 रो बनी। 16 रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, चार पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 16 रो का डिजाइन है। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, ये देखिए।
तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और फ्रेंड्स बेल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।